दोस्तों आज जो हम कॉमिक्स की स्टार्ट करने वाले हैं वो मार्वल के अभी तक किया है सबसे एडवेंचरस कॉमिक्स में से एक है और इस स्टोरी का नाम है मार्वल सीक्रेट वॉर्स जो कि 2015 में आई थी और आपको इसके 8 या 9 एपिसोड मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर इस एडवेंचरस कॉमिक्स के मजे लेने के लिए। इस कॉमिक्स की शुरुआत होती है कुछ लाइन से जिसमें कोई बोल रहा है, जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि हम लोग बहुत कम ही जानते हैं और हम लोग मरते वक्त आंखों में जो रोशनी देखते हैं सोचते हैं कि वो शरीर का ही एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन वो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं बल्कि वो है स्वयं भगवान, वो है गॉड। और जो गॉड सबसे महान है वो ही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है और वही ड्रीमर है। लेकिन आज उनके सामने आ चुका है डॉक्टर डूम और उसके साथ है डॉक्टर स्ट्रेंज और इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड स्टार्ट होता है। इस कॉमिक्स में सभी मल्टीवर्स खत्म हो रहे हैं और अब बस दो ही मल्टीवर्स बचे हैं जो कि है अर्थ 1610 और अर्थ 1616। इन दो दुनिया के बीच में टकराव होने वाला है और ये दोनों दुनिया भी अब खत्म होने वाली हैं। द अर्थ 1610 की दुनिया में निक फ्यूरी रीड रिचर्ड से बात करता है। वो मिस्टर फैंटास्टिक से पूछता है कि अब हमारे पास कितना टाइम बचा है और इस दुनिया का रीड रिचर्ड है द मेकर जो कि एक्चुअल में एक विलेन है। तो रीड रिचर्ड निक फ्यूरी से बोलता है, पहले तो हमारे पास काफ़ी टाइम था लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास कुछ ही मिनट्स बचे हैं और इन्हीं कुछ मिनटों में दुनिया को बचाने के लिए दूसरी अर्थ यानी अर्थ 616 पे हमला करना पड़ेगा, जो कि वो लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं। और फिर निक फ्यूरी भी ऐसा ही करता है, वो अपनी सभी आर्मी और हेली कैरियर को अर्थ 616 पे अटैक करने के लिए भेज देता है। तो वहाँ पे द सिटी नाम की मशीन रीड रिचर्ड से पूछती है कि तुमने निक फ्यूरी से झूठ क्यों बोला कि अर्थ 616 के लोग इस अर्थ पे अटैक करने वाले हैं, क्योंकि अब इनकर्जन से दोनों ही अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली हैं। जिस पे द मेकर बोलता है कि इसमें हम सबकी ही भलाई है, मुझे पता है कि मैंने झूठ बोला है और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम वो कैसे इंजॉय करते जिसके लिए हम बने हैं और इस सब का मजा हम सब और थैनोस कैसे लेते। तो थैनोस बोलता है कि तुम सब ह्यूमन कितने बेवकूफ हो, मौत से क्या डरना, मौत से भाग कर तुम कहीं भी नहीं जा सकते और जो होना है वो होके रहेगा। दोस्तों आपको अब कुछ कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल में जो रियल अर्थ है वो है अर्थ 616 और उसके जो मल्टीवर्स है वो है अर्थ 1610। तो अब से मैं अर्थ 616 को रियल अर्थ और 1610 को डुप्लीकेट अर्थ बोलूंगा। अब सीन स्टार्ट होता है रियल अर्थ से जहाँ पे डुप्लीकेट अर्थ के लोगों ने अटैक कर दिया है। तो रियल अर्थ के जितने भी सुपर हीरोज जैसे स्पाइडरमैन, हल्क, बोल्ट, विजन वगैरह सब फेक अर्थ के आर्मी पे अटैक करने लगते हैं। तभी हमें बैक्स्टर बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ से कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट जैसा कुछ बनाया है जिससे वो अर्थ के कुछ लोगों को बचा सकते हैं और उन लोगों को किसी और प्लेनेट पे सेफली बसा सकते हैं। और उसी में वो लोग सब राशन, खाना पानी, मेडिकल किट्स, टेक्नोलॉजी सब रख रहे हैं जिससे कि वो दूसरे प्लेनेट पर सर्वाइव कर सकें। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक विडो एक शिप लेके वहाँ पहुँचती है जिसकी मदद से वो उन सबको वहाँ से ले जा सकती है। तो वहाँ के दो साइंटिस्ट जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनकी फैमिली अभी भी अर्थ पे फंसी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि फेक अर्थ के आयरन मैन अपनी एक जाइंट मशीन के साथ रियल अर्थ पे अटैक कर देता है। तो रियल अर्थ की कैप्टन मार्वल बोलती है, इसे तो मैं देखती हूँ और तुम लोग बाकियों को बचाओ। जिसपे स्पाइडरमैन बोलता है, नो प्रॉब्लम मैडम, मैं हाजिर हूँ। तभी वहाँ पे पीटर क्विल यानी गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी आ जाते हैं और रॉकेट ड्रैक्स के चेस्ट पे कोई मशीन लगा रहा है जो कि रॉकेट ने ही बनाई है एक बड़े ब्लास्ट के लिए। वहीं पे लेडी थॉर और स्टॉर्म भी फेक अर्थ के आई आर्मी पे अटैक कर देते हैं। इसी लड़ाई के दौरान वहाँ पे साइक्लॉप्स सेंटिनल को लेके आ गया है। तो मेडुसा पूछती है कि क्या वह हमारी तरफ है या उस तरफ, लेकिन कुछ भी आइडिया नहीं है कि साइक्लॉप्स क्या करने की कोशिश कर रहा है और इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। और इधर कैप्टन मार्वल और आयरन मैन की फाइट चल रही है और ड्रैक्स भी अपने चेस्ट पे लगी वो गन को रेडी करके बोलता है, ये तो दमदार है, ड्रैक्स को पसंद आई है गन। अब शी हल्क, कोलोसिस, हल्क और नाइट क्रॉलर भी आ गए हैं। शी हल्क अपनी मशीन से फेक अर्थ के आ रहे शिप का मुआयना करती है और बोलती है कि मुझे उनका हेड ऑफिस दिख गया है जहां से ये सब चीजें हमारी अर्थ पे अटैक करने के लिए आ रही हैं, लेकिन उस मशीन को बंद करने के लिए हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। इस पे हल्क कोलोसिस को बोलता है, तुम मुझे बॉल की तरह उस शिप पे फेंको, आगे का काम मैं कर लूंगा। तो कोलोसिस उसे पकड़ के उस शिप की तरफ फेंक देता है जिससे हल्क एक ब्लास्ट करते हुए उस शिप में घुस जाता है और उसे तोड़ फोड़ कर फिर से जमीन पर आ जाता है। तो ऊपर की तरफ देख के नाइट क्रॉलर बोलता है, हमने शायद अभी भी पूरी तरह से तबाही नहीं की है, ये शिप अभी भी खड़ा है। फिर वो सब लोग मिलके फेक अर्थ के निक फ्यूरी की शिप को गिरा देते हैं जिससे रियल अर्थ के सुपर हीरोज को लगता है कि हमने फेक अर्थ के अटैक को रोक दिया है। अब शिप में फेक अर्थ का निक फ्यूरी रीड रिजर्व से बात करके बताता है
कि हमने इनकर्जन मशीन को खो दिया है और अब हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हमें अब अपना फाइनल वेपन डूम्सडे को ऑन करना पड़ेगा। तो द मेकर बोलता है, कोई बात नहीं निक फ्यूरी, तुम्हारी आर्मी ने मुझे काफ़ी वक्त दे दिया है रेडी होने के लिए। फिर इधर रियल अर्थ के सुपर हीरोज देखते हैं कि एक बड़ा सा बबल जैसा रेडी हो रहा है और पूरी अर्थ को कवर करता जा रहा है। इधर अंदर शिप में द मेकर यानी फेक रीड रिचर्ड नेमर से बोलता है कि डायवर्जन मशीन अब एक्टिव हो गई है और हम रेडी हैं अपने डूम्सडे वेपन को लॉन्च करने के लिए। और इसी के साथ द सिटी नाम की मशीन अपने छोटे मिनी बॉट्स को लॉन्च करती है जो कि अर्थ पे अटैक करने के लिए रेडी हैं, और वह सभी मिनी रोबोट्स रियल अर्थ पे अटैक करने लगते हैं जिससे चारों ओर तबाही होने लगती है। तो मेडुसा बोलती है कि उन्होंने अपना सेकेंड अटैक स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ कैप्टन अमेरिका, ब्लैक बोल्ट, आइसमैन वहाँ पे आ जाते हैं उन मशीनों से लड़ने के लिए। फिर सीन चेंज होता है एक बियर बार में जहाँ पे रियल अर्थ के सब विलेंस इकट्ठा हुए हैं और वो टीवी पे अर्थ को खत्म होते हुए देख रहे हैं और वो लोग बोलते हैं कि अर्थ तो अब खत्म होने ही वाली है, इसको अब कोई नहीं बचा सकता, तो क्यों ना हम मरने से पहले एक ड्रिंक का मजा ले लें। लेकिन तभी वहाँ पे द पनिशर आ जाता है और वो बोलता है, वैसे तुम लोगों का आइडिया अच्छा है लेकिन इसके साथ मुझे एक और ख्याल आ रहा है कि अर्थ तो खत्म हो जाएगी तो मेरी बुलेट्स भी वेस्ट हो जाएंगी, तो ये अच्छा होगा कि मैं अपनी बुलेट्स को यहीं यूज कर लूँ। फिर हम देखते हैं कि जो हेली कैरियर ब्लैक विडो लेके आ रही थी उससे उन मिनी पॉट्स ने तबाह कर दिया है और इसी के साथ अर्थ के कुछ लोगों के बचने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। इधर बैक्स्टर बिल्डिंग में रीड रिचर्ड ईडन से बोलता है कि आई एम सॉरी ईडन, हम बहुत से लोगों को नहीं बचा सकते लेकिन कुछ लोग को बचा सकते हैं, तो उनके लिए हमें ये मशीन ऑन करनी पड़ेगी। और इसी के साथ बैक्स्टर बिल्डिंग में बहुत सी लाइट होती है और वो मशीन ऑन हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि साइक्लॉप्स उन सेंटिनल के हाथ के ऊपर रखे एक एग को ओपन करता है जिसके अंदर फिनिक्स फोर्स बंद था और वो फिनिक्स फोर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है ताकि वो और भी पावरफुल हो जाए और फेक अर्थ के अटैक को रोक सके। लेकिन नीचे अर्थ पे गार्जियन की टीम फाइट कर रही है और तभी रॉकेट रकून को गोली लग जाती है जिसपे पीटर क्विल उसे आगे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आने से पहले एक लाइट उस पर गिरती है और वो गायब हो जाता है। ड्रैक्स ये सब देख के बोलता है, अरे इस रोने की घड़ी में ये कुल किधर चला गया। और फिर हम देखते हैं कि लेडी थॉर, स्टॉर्म, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल और आयरन मैन सब लोग गायब होने लगते हैं। लेकिन गायब होते होते रियल अर्थ का आयरन मैन कैप्टन मार्वल से बोलता है कि ये सब अगर ठीक हो गया तो मैं तुमको अपने साथ डेट पे ले चलूंगा, क्या तुम चलोगी। इधर हम देखते हैं कि रियल अर्थ का रीड रिचर्ड ब्लैक पैंथर से बोलता है मशीन बंद करने को, तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि नहीं, अभी थोड़ा देर और ईडन कर सकता है और वो अभी भी कुछ लोगों को इस शिप पे टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर वो लाइफ राफ्ट उस रियल अर्थ की बैकस्टर बिल्डिंग से वहां से सभी लोगों को लेके निकल पड़ती है, जिसे देखकर थैनोस बोलता है कि कुछ लोगों को मरना पसंद नहीं और वो कुछ भी करके खुद को बचा ही लेते हैं। तो फेक अर्थ का रीड रिचर्ड बोलता है कि ये भी नहीं बचेंगे और वो अपने कुछ शिप्स उस लाइफ राफ्ट की तरफ भेज देता है। लेकिन वहीं पे साइक्लॉप्स जो कि फिनिक्स फोर्स से जुड़ चुका था वो सभी मशीन्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है और लाइफ राफ्ट के लिए रास्ता क्लियर करता है। और इधर लाइफ राफ्ट में ईडन अपनी पावर को यूज करते हुए सभी सुपर हीरोज को उस शिप में टेलीपोर्ट कर लेता है, जैसे कि लेडी थॉर, कैप्टन मार्वल, पीटर क्विल, स्पाइडरमैन वगैरह। फिर रीड रिचर्ड बोलता है कि हम अब यहाँ से निकलने के लिए रेडी हैं और वो सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधने लगते हैं। लेकिन तभी वो लाइफ राफ्ट हिलने लगती है क्योंकि दोनों अर्थ के इनकर्जन से पूरी अर्थ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो रहा था जिसका इफेक्ट इनके शिप पे भी हो रहा है। और तभी राफ्ट का एक हिस्सा जिसमें सूजन थी टूट के उस राफ्ट से अलग हो जाता है। तो रीड रिचर्ड ब्लैक पैंथर से बोलता है कि मुझे मेरी बीवी और बच्चों को बचाना ही है, तुम शिप को कंट्रोल करो और तब तक मैं उस टूटे हुए हिस्से को पकड़ के ले आता हूँ। फिर वो अपना हाथ उस शिप की तरफ बढ़ाता है तो टचाला बोलता है कि ये सब करने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड का ही वक्त है क्योंकि ज्यादा देर तक अगर ये सेक्शन खुला रहा तो ये पूरी राफ्ट ही गिर जाएगी। इधर सूजन की शिप में सूजन अपने शिप को अपने एनर्जी शील्ड से कवर कर लेती है और उसे ब्लास्ट होने से रोके रहती है। लेकिन तभी सूजन के शिप में धमाका होता है और सूजन वहां से गायब हो जाती है। तो रीड देख के चिल्लाता नहीं, और ये सब देख के उसके मन में एक बात चलने लगती है, हम पूरी लाइफ लगा देते हैं किसी परफेक्ट वन को पाने में और जब हमें वो मिलता है तो लगता है कि अब मुझे दुनिया में इससे ज्यादा किसी से प्यार नहीं, और हम हर कोशिश करते हैं उनके साथ एक पल को रहने के लिए लेकिन ऐसी घटनाएं हमसे हमारा सब कुछ छीन लेती हैं और ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए लेकिन ये ऐसा होता है। और इन्हीं लाइन्स के साथ आज का ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइज आपको कैसा लगा हमारा ये फर्स्ट एपिसोड हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे समझ में आए कि ये स्टोरी आप व्यूवर्स को पसंद आ रही है या नहीं और मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।